सलीम मियां, ये चोरों की तरह छुपने की नौबत क्यों आ गई? वो एक कैटरिंग का ऑर्डर लेने जा रहा था। कैटरिंग? पलटो पलटो। पलट गया बाबू भैया। तुम रात वाली बात पर अपसेट हो? है कौन सी बात? वही बात जिस पर तुम और सफो रात भर से गोशा नशीनी इख्तियार करके बैठे। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है बाबू भैया। क्या यही तो मैं कह रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है जिस पर तुम सारे घर से नजरें चुराते फिर रहे हो। वो देखिए बाबू भैया, नजरें चुराने वाली बात नहीं है, हम लोग जरा खानदानी तरीके से बताना चाह रहे थे, लेकिन भांडा फोड़ दिया बीच चौराहे में डॉक्टर राजिया ने। उनका तरीका गलत था, लेकिन तुम्हें भी बात को छुपाना नहीं चाहिए था। उस सिचुएशन ही कुछ ऐसी बन गई थी बाबू भैया, आपको तो पता है हम खानदानी लोग हैं, ऐसी नीच हरकतें नहीं करते। सनकों उनका हवा के घोड़े पे सवार हो। एक नई मुसीबत आ गई है बाबूजान। लगता है कोई ब्रेकिंग न्यूज आने वाली है। क्या हर वक्त एक्सरसाइज करते रहो, थकते नहीं हो क्या? फिटनेस के लिए जरूरी है। मुझे देखो, मैं तो नहीं करता, मेरी तो फिटनेस है माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। कुछ लाओ खाने के लिए। अंडे वाले बर्गर की खुशबू आ रही थी, लगता है किचन में किसी ने बनाया, चेक तो करो। लाया अंडे वाला बर्गर। रूमी मैंने पहुंच गई अपने प्रिया के घर, जहाँ पे मेरा स्वीटू हाशु मेरा वार्मली वेलकम करने के लिए बेचैन है। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, यहाँ क्यों आ गई मुंह उठा के, और ये इतना ज्यादा सामान किसका है? कुछ है इंडियन वनडाइट थी। अब सुखे ना पापा की परी मेरा मजाक उड़ा रही होगी। यार उड़ाती रहे मजाक, मैंने कल स्टेटस लगा दिया था कि हमारा ब्रेकअप हो गया। वाकई मुझे छोड़ दोगे? तो ब्रेकअप का क्या मतलब होता है? ओ स्वीटू प्लीज डोंट ब्रेक माय हार्ट, वरना मैं जा रही थी साइड में। रोने प्लीज 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 छोड़ दो, छोड़ दो, चल चल सही है सही है। 10 मिलियन फॉलोअर्स अब मेरा मजाक उड़ा रहे होंगे। सारे तो ऑनलाइन नहीं होंगे ना, मैं डिलीट कर देता हूँ। हाँ ठीक है, सामान रख दिया अंदर। इतना ज्यादा सामान क्यों लाई हो ऐसे? क्योंकि मम्मा जा रही है ना कैनेडा संडे को, और मैं अपने स्वीटू के बगैर नहीं रह सकती। तो छोड़ आई मैं वो गलियां जहाँ मिलकर हम वीडियोस बनाते थे। छोड़ रहे अंदर चलते हैं, गेट के अंदर चलते हैं। क्या कहा तुमने? मम्मा मान गई है। सच्ची? बन जाओ तुम अच्छी, ये तो खाओ। मैम राजिया की बात कर रहे हैं आप? खबरदार, ऑर्डर जारी किया उन्होंने कि मुझे मैम नहीं मॉम कहना आज से। मैं डॉक्टर राजिया की बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं अपनी होने वाली सास डॉक्टर राजिया की ही बात कर रहा हूँ, और मैंने प्यार से उनका नाम रख दिया है डॉक्टर मामा। मतलब तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने जानू, अगले हफ्ते हमारा निकाह दे ताली। ये बात यार, पागल तो नहीं होगा, नींद में तो नहीं हो? अरे किसी मेडिसिन का साइड इफेक्ट लग रहा है मुझे तो। क्या मतलब है आप दोनों का? मैं इतना बुरा हूँ कि मुझे मोहब्बत नहीं हो सकती किसी से? इसे इतना बुरा भी नहीं हूँ बेटा। यही हो तो बेटा, तो मेरा फोन क्यों नहीं अटेंड कर रही थी? वो तो मेरा फोन शायद साइलेंट पे है। अच्छा तुम और डॉक्टर सनम ओपीडी में चले जाओ, मुझे घर के लिए निकलना है, क्योंकि आज सारिम की फैमिली को मैंने डिनर पर बुलाया। मैम इन्हें यकीन ही नहीं आ रहा कि हमारी शादी होने वाली है। फिर मैम मैंने कहा ना मुझे मामा कहो, अच्छा लगेगा। मामा? मामा डॉक्टर मामा। अच्छा सुनो, रात को डिनर के लिए तैयारी करो, और पालक पनीर बनाना ना भूलना, बाबू जान को बहुत अच्छा लगा। चलता हूँ मैं। धीमे 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 धीमे।